स्टूडेंट्स, आज हम लोग 29 का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो 29 का जो चैप्टर है उसका नेम है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस, यानी कि कोई केमिकल्स होंगे वो केमिकल्स किसका काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। क्योंकि जो ह्यूमंस होता है, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। उन बायोलॉजिकल प्रोसेस और इन्वायरमेंट के बिटवीन कोऑर्डिनेशन करने का काम है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड करती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। इस टॉपिक के अंदर हम ये बताते हैं कि इसमें देखिए कि यानी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम किसका होता है, नर्वस सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कौन करता है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन। जो ग्लैंड होती है वो क्या करती है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, अब कोऑर्डिनेशन किसको बोलते हैं कि देखिए अपनी जो ह्यूमंस की बॉडी, अपन लोग है, अपन हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी होती है वो फंक्शन अपने आप अडेप्ट हो जाती है। उसके अंदर मैनी टाइप के फंक्शन, वाइटल प्रोसेस हो रही है। तो इन्वायरमेंट और ह्यूमन बॉडी के बिटवीन में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने का जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड के बीच में। देखिए, नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर एक्ट्स, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर एक्ट्स फॉर होम्योस्टेसिस, फॉर होम्योस्टेसिस बिटवीन ह्यूमन बॉडी एंड देयर इन्वायरमेंट, एंड देयर इन्वायरमेंट द स्टडी ऑफ बोथ सिस्टम, द स्टडी ऑफ बोथ सिस्टम इज नो आर नोन एज न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। अब आपको नोटबुक के अंदर सबसे पहले यही नोट करना है, ठीक है। क्या नोट करोगे, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर एक्ट फॉर होम्योस्टेसिस बिटवीन ह्यूमन बॉडी एंड देयर इन्वायरमेंट। टू स्टडी ऑफ द बोथ सिस्टम आर नोन एज न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। यहां वर्ड देखिए क्या लिखा है मैंने, होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस का क्या मतलब होता है कि ह्यूमन की बॉडी और उसके इन्वायरमेंट के बिटवीन के अंदर क्या बनाना, कैंट यानी कि कोऑर्डिनेशन करना। इन्वायरमेंट के बिटवीन में क्या करना होता है, जैसे देखिए हम अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लेते, सीधी सी बात है ये अडेप्टेशन है, ठीक है। होम्योस्टेसिस का मतलब हमारी जो बॉडी होती है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लेती है। तो इन्वायरमेंट के अंदर खुद को अडेप्ट करना ही क्या होता है, होम्योस्टेसिस होता है। होम्योस्टेसिस करेगा कौन, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलकर के करती है। और जहां पर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। तो आपको ये बात लिखनी है एक तो अपनी नोटबुक के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ ग्लैंड। क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ ग्लैंड, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। आप हेडिंग डालोगे तो थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड, कितने टाइप्स की होती है ग्लैंड, थ्री टाइप्स की। विच विच एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। देन द सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड, थर्ड क्या हो गई, मिक्स्ड ग्लैंड। चलिए अब उसके बाद में हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की। तो आप हेडिंग डालोगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्या लिखोगे एक्सोक्राइन ग्लैंड में,
एग्जोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? विथ द डक्ट, दीज ग्लैंड हैज द डक्ट, ठीक है, दीज ग्लैंड हैज द डक्ट, ये ग्लैंड क्या रखती है? डक्ट रखती है, दीज ग्लैंड हैज द, या दीज ग्लैंड हैव द डक्ट्स, ठीक है, दीज ग्लैंड हैज मत लिखना, हैव लिखना है, दीज ग्लैंड हैव द डक्ट्स, दीज ग्लैंड डिस्चार्ज द सिक्रीशन, दीज ग्लैंड डिस्चार्ज द सिक्रीशन इन द डक्ट्स, इन द दीज ग्लैंड डिस्चार्ज द सिक्रीशन इन द डक्ट, सो इज नोन एज द डक्ट ग्लैंड, दीज ग्लैंड सिचुएटेड नियर द एक्सन साइट, ये किसके पास में प्रेजेंट होती है? एक्सन साइट के पास में पाई जाती है। तो क्या क्या लिखोगे? दीज ग्लैंड हैव द डक्ट्स, दीज ग्लैंड सिक्रीशन डिस्चार्ज इन द डक्ट एंड सिचुएटेड नियर द एक्सन साइट्स, द सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड इज नोन एज द एंजाइम्स, लाइक एज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इस ग्लैंड के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे देखिए, ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये सब किसके एग्जाम्पल है? एक्जोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल है। फिर आप देखोगे एंडोक्राइन ग्लैंड, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में आप बताओगे विदाउट डक्टलेस, दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस, इसमें डक्ट नहीं पाई जाती है, दीज ग्लैंड सिक्रीशन डिस्चार्ज इन द ब्लड, दीज ग्लैंड सिक्रीशन डिस्चार्ज इन द ब्लड, दीज ग्लैंड सिचुएटेड फॉरेस्ट द एक्शन साइट, ये एक्शन साइट से दूर पाई जाती है, द सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड इज नोन एज द हार्मोन्स। क्लियर हुई बात? क्या क्या लिखोगे एंडोक्राइन ग्लैंड में? दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स, द सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड डिस्चार्ज इन द ब्लड एंड सिचुएटेड फॉरेस्ट द एक्शन साइट, जहां काम करना होता है उससे दूर पाई जाती है, एंड द सिक्रीशन इज नोन एज द हार्मोन्स, इसके सिक्रीशन को क्या बोला जाता है? हार्मोन्स। इसमें कौन कौन से ग्लैंड आ जाएगी? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, ये सभी जो अपन आगे स्टडी कर लेंगे। फिर कौन सी आती है? मिक्स्ड ग्लैंड। कौन सी आएगी? मिक्स्ड ग्लैंड। तो मिक्स्ड ग्लैंड का मीन्स दीज ग्लैंड सिक्रेट बोथ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, दीज ग्लैंड सिक्रेट बोथ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ये एंजाइम भी सिक्रेट करती है और हार्मोन्स भी सिक्रेट करती है, ठीक है, याद रह जाएगा आपको। तो इट्स एक्स है ना बोथ द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ये एक्सोक्राइन एक्ट फ्रॉम द, इट्स एक्ट फ्रॉम द एक्सोक्राइन एंड द एंडोक्राइन, एग्जाम्पल पैनक्रियाज। तो आप आराम से लिख लोगे, मैंने बिल्कुल आराम से बोला है, पहले एक्सोक्राइन के बारे में पूरा बोला है मैंने, फिर एंडोक्राइन के बारे में बोला है, फिर मिक्स ग्लैंड के बारे में बोला है। चलिए, यानी कि आप पहले एंडोक्राइनोलॉजी वाली बात लिखोगे, फिर टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स वाली बात लिखोगे पूरी, अब उसके बाद में हम इस चैप्टर के अंदर कुछ हिस्ट्री कर लेते हैं, किसने क्या वर्ड किया, तो हिस्ट्री आप हेडिंग क्या डालोगे? हिस्ट्री। क्या हेडिंग डालोगे? हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में सबसे पहले देखिए, देखिए आप एक बार मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? डक्ट वाली होती है, अपना जो सिक्रीशन होता है वो डक्ट में डालती है सीधे, और सीधे ठीक है टारगेट ऑर्गन तक चला जाएगा, डक्ट उसे कहाँ ले जाएगी? टारगेट ऑर्गन तक लेके चली जाएगी। ये किसके पास में होती है? एक्सन साइट के पास में ही होती है। एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो अपना सिक्रीशन ब्लड में डालती है, उसमें डक्ट नहीं होती है, और उसके सिक्रीशन को क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। मिक्स वाले ग्लैंड ये दोनों टाइप की होती है। हिस्टोलॉजी में सबसे पहले देखिए आप लिखोगे क्लाउड, क्लाउड बेरनार्ड, क्या बताओगे? क्लाउड जो बेरनार्ड था इसने क्या किया था? आप लिखोगे
क्लाउड बेरनार्ड यूज फर्स्ट टाइम द वर्ड इंटरनल सिक्रीशन, यूज फर्स्ट टाइम द वर्ड इंटरनल सिक्रीशन। तो यूज द फर्स्ट वर्ड इंटरनल सिक्रीशन, बेरनार्ड यूज द फर्स्ट टर्म इंटरनल सिक्रीशन। सेकेंड थॉमस एडिशन क्या रहेगा, इसके आगे आप क्या लिखोगे, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। तो ये क्या हो जाएगा, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। फिर आप नेक्स्ट स्टर्लिंग यूज द टर्म हार्मोन, हार्मोन वर्ड किसका दिया हुआ है, कॉइन द वर्ड हार्मोन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, कॉइन द वर्ड हार्मोन स्टर्लिंग, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिशन। फिर फोर नंबर पे आप लोग नोट करोगे बेलिस एंड स्टरिंग, बेलिस एंड स्टरिंग। तो देखिए एक बार की, बेलिस और स्टरिंग ने क्या किया था, ड्यूडेनम की म्यूकस मेम्ब्रेन से एक हार्मोन केमिकल को सिक्रेट किया था, उस केमिकल का नाम उन्होंने क्या दे दिया था, सेरेटीन। क्या नाम दिया था, सेरेटीन, सेरेटीन। तो आप ध्यान क्या लिखोगे इसके अंदर, आप पैरों बना के क्या लिखोगे इसमें, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखना है, एक बार ही बोलूंगी मैं, फर्स्ट ऑब्टेन हार्मोन्स फ्रॉम सेकेटरी सेल ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ड्यूडिनम एंड नेम इट ईस्टर्न। क्या नाम दिया था, सिक्रेटीन, नेम इज सिक्रेटीन। चलिए हिस्ट्री हो गई, आप लोग नोट कर लोगे नोटबुक के अंदर। फिर आप हेडिंग डालोगे हार्मोन, क्या हेडिंग डालोगे, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स आप क्या बताओगे, केमिकल्स, सम केमिकल्स सिंथेसाइज बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नोन एज हार्मोन्स, सम केमिकल्स, केमिकल्स सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल द हॉर्मोन्स। ठीक है, हॉर्मोन्स डिजॉल्व इन वॉटर, हॉर्मोन्स डिजॉल्व इन वॉटर, ट्रांसपोर्ट थ्रू द ब्लड इन द बॉडी, थ्रू द ट्रांसपोर्ट थ्रू द ब्लड इन द बॉडी। ये हार्मोन्स की बात है, क्या क्या यानी कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करती है, उनको हार्मोन्स बोलते हैं। हार्मोन्स डिजॉल्व इन द वॉटर टू ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी थ्रू द ब्लड। फिर बात बताओगे हार्मोन्स किसके बने हैं, तो मोस्टली हार्मोन्स मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, लगभग हार्मोन किसके बने हुए हैं, प्रोटीन्स के बने हुए हैं। सम हार्मोन्स मेड अप ऑफ द प्रोटीन डेरिवेट्स, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, मोस्टली हार्मोन मेड अप ऑफ द प्रोटीन। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, सम हार्मोन्स मेड अप ऑफ द प्रोटीन डेरिवेटिव्स, आगे एरो कर दोगे थायरोक्सिन, क्या आ जाएगा, थायरोक्सिन हो जाएगा, यानी सम हार्मोन्स मेड अप ऑफ द प्रोटीन डेरिवेटिव थायरोक्सिन। फिर नेक्स्ट सम हार्मोन मेड अप ऑफ द लिपिड फॉर्म स्टेरॉइड, लिपिड फॉर्म स्टेरॉइड, सम हार्मोन मेड अप ऑफ द लिपिड फॉर्म स्टेरॉइड, क्या आ जाएगा, प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन्स, जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। फिर आ जाएगा नेक्स्ट करोगे कोलेस्ट्रोल इज बेसिक सबस्टेंस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, कोलेस्ट्रोल इज बेसिक सबस्टेंस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। हार्मोन किसके बने, प्रोटीन के।
थायरोक्सिन हार्मोन किसका बना है? प्रोटीन डेरिवेटिव का। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसका बनता है? स्टेरॉइड, और स्टेरॉइड एक क्या है? लिपिड की फॉर्म है। फिर अपन देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है? डक्टलेस होती है, सिक्रीशन को ब्लड में डिस्चार्ज करती है, और ब्लड जो होता है उस सिक्रीशन को कहाँ लेके जाता है? एक्शन साइट तक लेके जाता है। तो इसमें सबसे पहले अपन बताएंगे हाइपोथैलेमस, इसके आगे आप नोट कर लोगे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड जिसको बोला जाता है, थायरॉइड ग्लैंड, फिर लिखोगे पैरा थायरॉइड ग्लैंड, पैरा थायरॉइड ग्लैंड हो जाएगा, पीनियल ग्लैंड, फिर आ जाएगी थाइमस ग्लैंड, ठीक है, फिर उसके बाद में एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवेरीज और टेस्टिस, ये सभी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। प्यूट्यूटरी ग्लैंड तो इन सभी ग्लैंड पे कंट्रोल करती है, ठीक है, इसके जो हार्मोन्स होंगे इन सभी ग्लैंड को कंट्रोल करेंगे, तो मास्टर ग्लैंड हो गई। हाइपोथैलेमस के हार्मोन किसको करेंगे? प्यूट्यूटरी ग्लैंड को करते हैं, इसीलिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हो गया। हाइपोथैलेमस एक किसका पार्ट होता है? फोर ब्रेन का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक-एक ग्लैंड की स्ट्रक्चर, देयर फंक्शंस और रिलेटेड टू डिजीज की बात करेंगे। ये अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज हमने 29 के चैप्टर की थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है कि स्टार्टिंग कैसे करनी है। हाँ, एक और बता दूँ, आज वाला जो टॉपिक्स मैंने दिया है बिल्कुल आराम से बोला है मैंने, तो आपको वीडियो को देख करके और सुन करके ही नोट्स बनाने, आपको अलग से नोट्स नहीं दिए जाएंगे, इसी को सुन करके आप नोट्स बनाओगे। कैसे करना है ये मैंने वीडियो में साथ साथ में बताया है आपको।